हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग सम प्रोटॉनिक। सम प्रोटॉनिक में यह हो जाएगा आइसोप्रोटॉनिक में देखेंगे हम लोग तो सम में समान हो जाएगा और प्रोटॉनिक में हो जाएगा प्रोटॉन, यानी कि सम मीन्स क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और प्रोटॉनिक मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, यानी कि ऐसे तत्व तो जिनके जिनमें क्या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं, सम प्रोटॉनिक कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व हों, ऐसे तत्व हों जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, या तत्व हों या आयन हों, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या जब समान हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सम प्रोटॉनिक कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु धनायन व ऋणायन जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, सम प्रोटॉनिक कहलाता है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु धनायन हो या ऋणायन हो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, सम प्रोटॉनिक कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में है Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होगी, वह इसका भी 26 होगा, इसका भी 26 होगा और इसका भी 26 होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वह नाभिक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बाहरी कक्षा में, नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई तत्व त्यागता है तो वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ना कि प्रोटॉन को त्यागता है। तो यहाँ पर इन Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 में प्रोटॉनों की संख्या 26 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 होगी, यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे 23 होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है क्योंकि जब भी धनायन या ऋणायन बनाते हैं, कोई भी तत्व धनायन या ऋणायन बनाता है, तो धनायन उस कंडीशन में बनता है जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बनाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन को कोई नहीं त्यागता क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, जब भी होता है वह इलेक्ट्रॉन ही नाभिक के अंदर ही रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, तो वहीं इलेक्ट्रॉन को त्याग
त्याग, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना कि प्रोटॉन को त्यागता है, इसलिए इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इस तरह से सम प्रोटॉनिक का हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद है सम विन्यास, सम विन्यास, सम विन्यासी, सम विन्यासी यह हो जाएगा आइसो स्टीयर्स, आइसो स्टीयर्स, सम विन्यासी। सम विन्यासी यहाँ पे क्या हो, सम मीन्स समान, सम मीन्स क्या होगा, समान होगा, और विन्यासी मतलब विन्यास हो जाएगा, विन्यास हो जाएगा, विन्यास मतलब हो जाएगा बांटना, बांटना या संगठन, बांटना, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको बांटा जाता है, तो अगर बांटेंगे तो वह क्या होगा, समान ही होगा। तो ऐसे परमाणुओं को या अणुओं को क्या कहेंगे, समविन्यासी कहेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी अणु हो या आयन हो, उसमें परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं, समविन्यासी कहते हैं। यानी कि ऐसे अणु या आयन जिनमें परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समविन्यासी कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जिन अणुओं या आयनों, अणुओं या आयनों में परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समविन्यासी कहलाता है, समविन्यासी कहलाता है। यानी कि जिन अणुओं या आयनों में परमाणुओं की तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे समविन्यासी कहते हैं। तो समविन्यासी एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में नाइट्रोजन है, पहला उदाहरण हो जाएगा नाइट्रोजन, CO HCN-। तो इसमें अगर परमाणुओं की संख्या देखेंगे, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन में 2 परमाणु हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 परमाणु हैं, और साइनाइड आयन में 2 परमाणु हैं। इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन है, 2 परमाणु है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन या भी 2 परमाणु है, तो परमाणुओं की संख्या क्या होगी, सब में 2-2 होगी। इसी तरह से देखेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, 7 + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 14। यहाँ पे कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहाँ पे भी 14 हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन का 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है, और 1 माइनस है, माइनस है, तो माइनस का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो -1।
ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस टू, तो इस तरह से इस पे माइनस वन चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वन, तो यह 7 7 13 14। तो यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन साइनाइड आयन में, इसमें परमाणुओं की संख्या सब में समान है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है, इसलिए ये इसे क्या कहेंगे समविन्यासी कहेंगे, समविन्यासी कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से उम्मीद है कि सबको समझ में आया आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसो डायाफियर्स आइसो डाया फियर्स। तो आइसो डाया स्फीयर्स क्या होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो अंतर होता है वह क्या हो समान होता है, तो उसे क्या कहते हैं आइसोडायस्फीयर्स। यानी कि दो तत्व हों उनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो समान हो, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो अंतर होगा वह क्या होगा समान होगा, तो उसे क्या कहते हैं आइसोडायस्फीयर्स कहते हैं। तो एन माइनस पी का मान क्या होगा समान होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान होता है डायाफियर्स कहते हैं। आइसोडायफियर्स कहते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल में यूरेनियम 92 235 और थोरियम 90 231, इसमें अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होगा यह देखेंगे तो प्रोटॉन क्या कहलाता है परमाणु क्रमांक कहलाता है, तो परमाणु यानी कि 92 हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर देखेंगे तो 200, यानी कि परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु भार 235 है और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 92 में से 235 में से 92 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 9 4 13 और 143 हो जाएगा। तो 100 यहाँ पे न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो अंतर होगा यहाँ पर देखेंगे तो 1 और यहाँ पर 9 5 14 9 5 14 51 आ रहा है, और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या देखेंगे तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पर
इसका घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 9 4 13 और 1, तो यहाँ पर घटाएंगे न्यूट्रॉन और तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 9 5 14। यहाँ पर भी एक क्या होना रहा है, यहाँ पर भी एक क्या होना रहा है, तो यह दोनों तत्व तो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोडायस्फीयर्स होंगे। अभी आइसोडायस्फीयर्स अभी बताया कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो अंतर होगा वह क्या होगा, समान होगा, तो उससे क्या कहेंगे, आइसोडायस्फीयर्स कहेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो अंतर है यूरेनियम में 51 आ रहा है और इसमें थोरियम में इसमें भी 51 आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, आइसोडायस्फीयर्स कहलाएगा। इस तरह से आप लोगों को 10 15 15 मिनट का या आधा घंटा का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे और रोज का रोज मिलता रहेगा, किसी कारणवश कभी कभी नहीं मिल पाएगा, नहीं तो बाकी सब मिलता रहेगा। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।